ये क्या रखा है? ओह माय गॉड, थैंक यू बेबी. क्या तुमने रखा है इसको? ओके, अभी मैं इसको खोल रही हूँ एंड वाओ. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ आफरीन. और गाइस, आज है एक स्पेशल डे. आज हम लोगों का मतलब एक्चुअल एनिवर्सरी जो होता है वही है. आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हो, मुझे पता है, बट वो आज सब कुछ मैं क्लियर करने वाली हूँ कि रिलेशन के बारे में, हम दोनों के बारे में जितने भी सवाल है आप लोगों के मन, आज सभी का आंसर मैं देने वाली हूँ आप लोगों को. सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना. और अभी हम लोग जा रहे हैं एक स्पेशल जगह पे, तो चलो वहां पे चलते हैं, जाके फिर करते हैं आप लोगों से बात. सो लेट्स गो. सो हम लोग आ गए हैं हमारी डेस्टिनेशन कजार कॉर्पोरेट होटल पे. ये होटल रिजू को बहुत पसंद है क्योंकि काफ़ी बार वो आ चुका है अपने ऑफिस के काम के लिए, तो इसीलिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो कोलकाता के अंदर ही हम लोग यहाँ पे एक दिन स्पेंड करेंगे. तो चलो जल्दी जल्दी मैं इस होटल का एक छोटा सा टूर आप लोगों को करवा देती हूँ. ये क्या रखा है? ओह माय गॉड, थैंक यू बेबी. क्या तुमने रखा है इसको? कैमरा पकड़ो थोड़ा सा, मैं देखूं अभी खुल के. हाँ देखो क्या है तुम्हारे लिए. मुझे लगा था तुम कोई गिफ्ट नहीं लाए हो मेरे लिए. इसमें तो कुछ भारी है क्या? इसमें पैसे है या फिर गहने हैं मेरे लिए? देखो देखो सही खोल के. तो कैमरा को यहाँ पे सेट करो, हम दोनों एक साथ खोलते हैं. ओके, अभी मैं इसको खोल रही हूँ एंड वाओ, मेकअप. मेकअप का चीज कहाँ से लिया इतना कुछ? अरे देखो ना, अमेज़न से लिया है. माय गॉड, यहाँ पे तो बहुत कुछ है, मतलब इसमें तो पूरा भरा हुआ है मेकअप की चीजें. और तुमने सब कुछ अमेज़न से लिया है? हाँ. वाओ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. कितना मेकअप का कितना कुछ, मतलब पूरा सेट है इसके अंदर. तो एक काम करती हूँ, मैं एक एक करके देखती हूँ, सबको दिखाती हूँ. तो तुम आ जाओ यहाँ पे. थैंक यू बेबी. देखो ना क्या क्या है. मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. ओके, तो मैं एक एक करके चीज आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज्यादा. ओके, ये कारा है, ये मतलब वाइप्स जो होते हैं ना, बहुत अच्छा चीज है. मेरे पास खत्म हो गया था, थैंक यू बेबी. एंड गुड वाइप्स का ये क्यूकम्बर ग्लो टोनर, ये टोनर भी बहुत प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट का. मॉइस्चराइजर क्रीम द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं ना इसको. इसीलिए तो दिया है. आइडिया कहाँ से मिला है? अरे सब तुम जितना यूज करते हो देख देख के, मैंने ढूंढ ढूंढ के अमेज़न से शॉपिंग किया. मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि मैं ये लूँ. ये है बायोटिक का मॉइस्चराइजर क्रीम, आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छा चीज है ये. मैं काफी दिनों से सोच रही हूँ कि इसको मैं खरीदूं. एंड सारा मेकअप का ही सेट दिया है एकदम पूरा मेकअप. ये लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर काफी अच्छा है. ओके, ये है फिटमी का कंसीलर. एंड ये रहा फिटमी का ये फाउंडेशन, मेरे का फेवरेट फाउंडेशन है ये. ओके, और क्या है यहाँ पे? एक श्रीज ब्यूटी का ये कंसीलर पैलेट जो है अच्छा, काफी अच्छा पैलेट है ये भी. अच्छा है ये सब कुछ, अच्छा अच्छा लिया चीज तुमने. मेबलिन का मस्कारा. बहुत अच्छा मस्कारा है ये. यहाँ पे है श्रीज ब्यूटी का ये लिपस्टिक पैलेट, काफी अच्छे कलर है इसमें. देख देख के बहुत ढूंढ ढूंढ के कुछ अमेज़न से लिया है इसको. और तो ये मिस क्लेयर का ये व्हाइट जो काजल है ये काफी अच्छा है, ये वाला पेंसिल भी अच्छा है. और ये आई शेडो पैलेट, ओ माय गॉड, ये मुझे इतना ज्यादा पसंद था, मैं क्या बताऊं आप लोगों को. यार देखो आप, ये मतलब मैं बेस्ट मेकअप में, मैं लास्ट टाइम जब गई थी ना तो उसने यूज किया था, तब मैंने रिजू को कहा था कि ये पैलेट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. थैंक यू सो मच बेबी. ये पैलेट आप लोग देखो कितने प्यारे प्यारे कलर्स है इसमें. मुझे ये वाला पैलेट सच में बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगता है. कितने प्यारे प्यारे कलर्स है इसके अंदर, आप देखो, बहुत बहुत बहुत
थैंक यू बेबी, अच्छा लगा सो मच, थैंक यू। ओके ये आई लैश कर्लर काफी अच्छा है, आई लैश कर्लर भी लाया तुम मेरे लिए, मतलब पूरा सेट किसने सजेस्ट किया यार तुमको, अच्छा किया। एंड ये आई लैशेस, वाओ क्या आई लैशेस बहुत बहुत प्यारे हैं यार, देख सकते हो कितना अच्छा, इसके साथ ग्लो भी फ्री में आता है। थैंक यू बेबी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लॉरियल पेरिस का मेकअप फिक्सर है, ये भी काफी अच्छा है, अच्छा है। और ये ब्रश, ये ऑलरेडी मेरे पास एक ब्रश है, तुमने फिर क्यों लिया? मैंने सोचा तो पूरा सेट देना है तो पूरा सेट ही दे देते। ये ब्रश भी काफी अच्छा है, और इसके साथ ये क्या मतलब, ये था इसके साथ, और ब्यूटी ब्लेंडर भी फ्री में आया है इसके साथ। मैं एक मिनट ब्रश ना आपको दिखाती हूँ अच्छे से, देखो आप कितने प्यारे प्यारे ब्रश सेट है, बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब सॉफ्ट है। ये ब्रश ऑलरेडी मेरे पास है इसीलिए मैं दिखा रही हूँ आपको, बहुत अच्छा लगता है मुझे, आई मेकअप के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्लेंडिंग काफी अच्छा होता है। एंड इसके साथ साथ ब्यूटी ब्लेंडर फ्री में आया, फिर तो सोने पे सुहागा। तुमने सब कुछ अमेज़न से लिया है मतलब पूरा का पूरा सेट, एक सेट में एक साथ में हम लोग अरेंज करके मैंने पूरा लिया है। अच्छा तो आप लोग तो बोल ही रहे थे कि मेरा जो मेकअप कलेक्शन आप लोगों को दिखाऊं, तो ये मेरा मेकअप कलेक्शन में आ गया है, तो थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। मतलब कुछ और देते तो शायद मैं इतना ज्यादा खुश नहीं होती हूँ, लड़कियां मेकअप पाने के बाद मतलब बहुत खुश हो जाते हैं, थैंक यू। एंड मुझे बहुत जरूरत थी बहुत कुछ मेकअप, मुझे अभी नए नए चीज खरीदने थे। ओके ये सब कुछ मेरे पास आ गया है, और इसके सारे जो लिंक है ना तुमके पास तुम्हारे पास, तो वो सब कुछ ना मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चाहे तो वहां से परचेस कर सकते हो। ऑलरेडी मैं ये सब कुछ यूज करती थी, मुझे काफी अच्छा लगता था, कुछ चीज नए है बट यार सारे चीज काफी अच्छे है। सो मैं आप लोगों को थोड़ा सा झटपट सब कुछ एक साथ दिखा देती हूँ, एंड आज तो मैं इसी से ही मेकअप करने वाली हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए। सो गाइस देख लो, तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए, क्योंकि बहुत टाइम वैसे भी देखो 3 बज गए, आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। एंड हम लोग तो है कजार होटल पे, और करीम नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, दिल्ली वाला, हाँ दिल्ली वाला, तो वहीं पर हम लोग अभी हम लोग का लंच प्लान वहाँ पे है, तो चलो वहाँ पे जाके है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि सभी लोग ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं, मैं आज तक नहीं गई, तो आज हम लोग वहाँ पे जाके लंच करेंगे। सो गाइस लेट्स गो। This is a starter. This is mutton bharra. Okay. And this is pork malai tikka. Mm-hmm. And this one is mutton shish kabab. Okay. Yeah. Thank you. सो अभी इवनिंग का टाइम है, और रिजू का दिया हुआ गिफ्ट से मैं तैयार हो रही हूँ। कैसे लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छा। थैंक यू, ये ड्रेस काफी अच्छा लगा मुझे। अच्छी लग रही हो? परफेक्ट। ओह ये क्या है? ये छोटा सा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अरे कैमरा दिखाओ दिखाओ। तो ये प्यारा सा रिंग रिजू ने मुझे गिफ्ट में दिया, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, और ये फ्लावर्स एंड ये केक होटल वालों की तरफ से था। थैंक यू गजार। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हो कि एक्चुअली मैंने कहा था कि एक दिन रिजू मेरे साथ रहेगा, तब आप लोगों को पूरा बात बताऊंगी कि हमारा मतलब रिलेशन कैसा क्या है, एंगेजमेंट हुआ है, हस्बैंड है, फियांसे है, क्या है, बहुत सारे मतलब कन्फ्यूजन है आप लोगों के मन में। सो येस गाइज आज मैं वो सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। तो मेन चीज ये है कि हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि लव मैरिज है, और ऐसा भी नहीं है कि पूरा अरेंज मैरिज है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली रिजू ने एक बार
मुझे मतलब मेरी मम्मी को कहा था मुझसे शादी करेगा, यही चीज कहा था उसके मम्मी ने। तो हम लोगों ने थोड़ा सा जानकारी लिया इसके बारे में कि लड़का कैसा है, क्या जॉब करता है, जो जो कहा वो सच है कि नहीं है। तो सब कुछ जानकारी हासिल करने के बाद हमें पता चला कि नहीं, अच्छा लड़का है, भला इंसान है, शादी कर ही सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो इसके बाद सब कुछ मतलब फैमिली में पूरा ओके ओके हो गया है। बट मैं इसे नहीं जानती थी, तो मुझे लगा कि नहीं यार, ऐसे किसी से शादी करना सही बात नहीं है, मतलब हम दोनों को भी टाइम चाहिए एक दूसरे को जानने के लिए। तो उसके बाद पूरा कुछ कहना है तुम्हें? ये लड़की ठीक है मेरे लिए, तो मेरे लिए सब कुछ ठीक ठाक ही था। तो मैडम को जानकारी चाहिए थी मेरे बारे में। हाँ बिल्कुल, मैंने माँ को जाके बोला कि उनकी माँ से बात करने के लिए, तो लकीली राजी हो गए दोनों। नहीं, जानकारी हासिल करने के बाद ही हम लोग राजी हुए, क्योंकि अचानक से किसी को कोई आता है शादी के लिए कहता है और उसे डायरेक्टली हम लोग हाँ नहीं कह सकते, पहले हमें भी जानना पड़ेगा कि वो बंदा है कैसा। तो सब कुछ ओके होने के बाद ही हम लोगों ने ये चीज डिसाइड किया कि चलो बंदा ठीक है, अभी मुझे बात करके क्लियर करना पड़ेगा कि सही है या नहीं है। तो उसके बाद सब कुछ जब ठीक ठाक रहा तो हम लोगों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया अराउंड 1 ईयर। तो अब हम दोनों सेम ही है हम लोगों का, बंदा कमिटेड है तुम्हारे लिए। हाँ वो तो है, वरना स्टार्टिंग में कोई शादी के लिए नहीं आता है। तो हम लोगों ने 1 साल तक डेट किया, एक दूसरे से फोन पे बहुत बातें की, हम लोगों ने घूमने गए, मतलब मिलते थे, बातें बहुत टाइम देना पड़ा। मैं मम्मी पापा से भी बात करता था, मैं भी करती थी उसकी फैमिली के साथ बातें। तो जब हमें लगा कि एकदम परफेक्ट है सब कुछ, हम अभी शादी कर सकते हैं, तो उसके बाद ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि या लेट्स डू इट। ऐसा नहीं हुआ कि पहले ये मेरे पास आया कि यार चलो गर्लफ्रेंड बन जाओ, फिर बात करते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, फिर डिसीजन लेंगे शादी के बारे में। नॉर्मल ऐसी कोई बात नहीं थी, डायरेक्टली ये आया था शादी के लिए। तो आज है वो दिन, मतलब 15 फरवरी, मतलब वैलेंटाइंस डे के सेकेंड डे जो है ना, मैं इसीलिए रखा कि अगर वैलेंटाइन डे में कभी भूल जाओ तो मेरे को याद रहेगा कि 15 तारीख में शादी के बाद थोड़ी ना कोई भूलता है। आज के दिन मतलब 15 फरवरी को एंगेजमेंट का डेट फिक्स्ड हुआ था कि उस दिन हम लोगों का रिंग सेरेमनी होगा एंड रजिस्ट्री मैरिज वो होगा। बट उसके बाद क्या हुआ, शादी का कोई डेट नहीं हुआ था कि शादी हम लोग बाद में कर लेंगे, मतलब कुछ महीने बाद या फिर 1 साल बाद, ऐसा कुछ डेट था। फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि देखो अभी एंगेजमेंट होगा, रजिस्ट्री होगा, उसके बाद घूमेंगे फिरेंगे। एक्चुअली हम लोग मुस्लिम हैं, इसीलिए हमारी शरीयत में ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये सब, मतलब बहुत सारे लोग अलाउ नहीं करते हैं आज के ज़माने के बाद, मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे मम्मी पापा को जो ठीक लगा वही। तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तो हमारा जो निकाह है ना, वो कबूल बोलना वाला जो निकाह होते हैं, तो वो निकाह भी हम लोगों ने कर लिया था उस टाइम पे, मतलब उसी टाइम पे सब कुछ हो गया था। बट फंक्शन एक ही दिन हुआ था मेरे घर, मतलब हम दोनों ऑफिशियली एंड शरीयत वाइज वी आर हस्बैंड वाइफ, हम लोग लीगल हैं एंड सब कुछ ठीक ठाक है। बट अभी भी मैं ससुराल नहीं गई क्योंकि अभी मैं रेडी नहीं हूँ। देखो किसी के साथ मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रिलेशन रखने से अच्छा है कि हम लोगों ने डिसाइड यही किया कि हम लोग निकाह कर लेते हैं, तो बात तो सेम ही हुआ ना, हम लोग ऐसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह ही है। रिजु हमारे घर पे आता है, हम घूमने जाते हैं, हम लोग पूरा एकदम ठीक है। लेकिन खाली मैं ससुराल नहीं गई, इसके लिए सुबह मैंने खाना नहीं बनाया कभी, ये सब नहीं होता है। मतलब ससुराल में जाने के बाद वो वाला फीलिंग्स अभी तक नहीं मुझे मिला, बट या आई एम हैप्पी हैप्पी नहीं हूँ, मतलब मैं अभी रेडी नहीं। सोचा कि अभी 1-2 साल घर पे ही रहते, अच्छे से रहते, शान से रहते, फिर जाएंगे ससुराल, क्या है, कोई नहीं है, है ना। तो यही बात है एंड यही बात है आज। आई होप कि आप लोगों के जितने भी कन्फ्यूजन वगैरह थे वो सब कुछ क्लियर हो गया। तो मैं एंगेज्ड कहती हूँ क्योंकि मैंने अभी तक ससुराल का सौ भी नहीं देखा, मतलब वो वाला फीलिंग्स अभी तक मेरे अंदर आया नहीं। खाली मेरा हस्बैंड है, बहुत ही प्यारा सा शरीफ सा एक हस्बैंड है मेरा, तो यही है। बट अभी मतलब मुझे ऐसा ट्रीट करते हैं ना हम दोनों के, अभी भी हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा है। बहुत सारी चीज हम लोग अभी तक एंजॉय किया, इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, तो चलते इसी तरह हम लोग।
कंटिन्यू करते हैं इसको और देखते और क्या क्या कर सकते हैं लाइफ। तो यही बात है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्पेशल। तो चलो अभी डिनर का टाइम हो गया है एंड डिनर पे और ये जो पूरा मेकअप लुक है आप लोग देख सकते हो, रिजू ने जो गिफ्ट दिया है वही उसी से मैंने किया है, जो कि सारा चीज अमेजोन से उसने परचेस किया था। तो सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो बातों बातों में तो टाइम का पता ही नहीं चला, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो रूम पे ही बैठ के खा लेते हैं। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया ये चिकन थाली, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। आप लोग देख ही सकते हो यहाँ का रूम, इनका होटल, इनका खाना, सब कुछ एकदम A1 है। और करीम्स का खाना, इसका तो जितना तारीफ करो उतना ही कम है। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा एंड आज का पूरा दिन काफी मुझे अच्छा लगा, ये होटल काफी अच्छा लगा, रिजू का गिफ्ट अच्छा लगा, सारे मेकअप का सामान भी बहुत अच्छा लगा। एंड वीडियो पसंद आए तो यहाँ एक लाइक कर देना प्लीज एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मैं आप लोगों से बहुत कुछ बातें करती हूँ एंड आप लोग भी बहुत कुछ कहते हो कि आप लोगों को कैसा वीडियो देखना है, आप लोग वो भी मुझे कहते हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड वोर्स मेकअप का वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, बस एडिटिंग का काम चल ही रहा है, पार्ट 2 आने वाला है जल्दी से, तो वो मिस मत करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।